हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आदर्शित्या। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने लीनियर रिग्रेशन में आपको जो भी टेबल वाले जो सम थे उसके बारे में डिस्कस किया था। ओके, आज हम जो आपकी यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं शॉर्ट सम, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपकी बुक में दिया गया है एक, ये जो क्वेश्चन है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपकी यूनिवर्सिटी में पूछा भी गया है, तो आप वीडियो को स्किप ना कीजिए। ओके, ध्यान से देखिएगा। चलिए, आपको कहा गया है फाइंड इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई और एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। आपको रिग्रेशन लाइन फाइंड आउट करनी है किसकी, वाई और एक्स। ठीक है, और इसके लिए आपको दिया गया है मीन, मीन यानी कि एक्स का मीन और वाई का, यानी कि एक्स बार एंड वाई बार दिया गया है। वेरियंस दिया गया है 100, यहाँ पे 196। वेरियंस का मतलब होता है एस एक्स स्क्वायर और एस वाई स्क्वायर, और कोवेरियंस एक्स वाई दिया गया है 112। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है कि एक्स बार इज इक्वल टू 60, वाई बार इज इक्वल टू 80, एस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100, एस वाई स्क्वायर 196, एंड कोवेरियंस एक्स वाई इज इक्वल टू 112। अब आपको फाइंड आउट करना है रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने आपको अगर इसका फॉर्मूला लिखाया है कोवेरियंस एक्स वाई का तो ठीक है, नहीं लिखाया तो आप लिख लीजिए कि वी वाई एक्स के लिए इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे बी वाई एक्स। बी वाई एक्स का फॉर्मूला लगेगा कोवेरियंस एक्स वाई, और जो पीछे है वो नीचे आएगा, यानी कि एस एक्स स्क्वायर जो है वो नीचे आएगा। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है कोवेरियंस एक्स वाई डिवाइडेड बाय एस एक्स स्क्वायर। अगर आपको कोवेरियंस दिया गया है तो ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, कोवेरियंस एक्स वाई एंड वेरियंस आपको लिखना है यहाँ पे। कई बार क्या होता है कि आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया होता है, पर अगर कोवेरियंस एक्स वाई है तो आपको वेरियंस ही लिखना है। तो आपको अगर आपको ध्यान रखना है कि अगर स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया है तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको वेरियंस में। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे आपको 10 दिया गया होता, एस एक्स दिया गया होता, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया होता 10, तो इसको कन्वर्ट करते आप एस एक्स स्क्वायर में, यानी कि 100। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, कोवेरियंस एक्स वाई इज इक्वल टू 112 डिवाइडेड बाय एस एक्स स्क्वायर, यानी कि 100, तो इसकी वैल्यू निकलेगी 1.12 बी वाई एक्स। ठीक है, उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे ए, तो ए इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी वाई एक्स इंटू एक्स वाई। वाई बार इज इक्वल टू 80 माइनस बी वाई एक्स आपको दिया गया है 1.12, एंड एक्स बार इज इक्वल टू 60। ठीक है, तो 80 माइनस 1.12 मल्टीप्लाई बाय 60 इज इक्वल टू 67.2, माइनस 80 करे तो 12.8। ठीक है, चलिए लास्ट हम फाइंड आउट करेंगे वाई कैप। वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई एक्स इंटू एक्स। ए इज इक्वल टू 12.8 प्लस बी वाई एक्स, बी वाई एक्स आपने फाइंड आउट किया 1.12 इंटू एक्स। अगर आपको एक्स की वैल्यू दी गई है तो लिखनी है, वरना यही रखना है। यहाँ पे आपको एक्स की वैल्यू नहीं दी गई है, तो ये जो मिलेगी आपको रिग्रेशन लाइन ऐसे ही रखनी है। ठीक है, 12.8 प्लस 1.12 एक्स। ओके, चलिए इसके बाद हम एक और सम देखेंगे। तो यस, आपकी बुक में दिया गया है सम नंबर 35। ठीक है, और आपको कहा गया है द फॉलोइंग रिजल्ट आर ऑब्टेन फ्रॉम अ बी वेरिएट सैम्पल ऑफ 25 पेयर्स, फाइंड द टू रिग्रेशन लाइन्स एंड इस्टीमेट वाई फॉर एक्स इक्वल टू 29 एंड एक्स फॉर वाई इज इक्वल टू 45। यानी कि आपको इस्टीमेट वैल्यू जो फाइंड आउट करनी है, वाई फाइंड आउट करना है वेन एक्स इज इक्वल टू 29, और एक्स फाइंड आउट करना है वेन वाई इज इक्वल टू 45। ठीक है, दोनों रिग्रेशन लाइन आपको फाइंड आउट करनी है। उसके लिए आपको दिया गया है एवरेज 25 और 40, यानी कि एक्स की एवरेज निकाले तो एक्स बार, और यहाँ पे दिया गया है वाई बार। वेरियंस दिया गया, यानी कि एस एक्स स्क्वायर एंड एस वाई स्क्वायर।
कोरिलेशन कोएफिशिएंट, यानी कि आपको यहाँ पे दिया गया है आर, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम जो आपको वैल्यू दी गई है वो लिखेंगे, फिर हम फाइंड आउट करेंगे रिग्रेशन लाइंस, ठीक है। चल तो सम नंबर 35, एक्स बार इज इक्वल टू 25, वाई बार इज इक्वल टू 40, वेरियंस लेंगे यानी कि एस एक्स स्क्वायर 9, एस वाई स्क्वायर 36, ठीक है। और आपको यहाँ पे दिया गया है आर इज इक्वल टू 0.8। अब आपको एक फॉर्मूला लिखा है आपको कि जब भी आपको आर, एस एक्स एंड एस वाई दिया गया हो, ठीक है, पर यहाँ पे देखिए आपको वेरियंस दिया गया है, ठीक है। आपको रिग्रेशन लाइन अगर फाइंड आउट करनी है जब भी आपको आर दिया गया हो, तो उसका फॉर्मूला जो बनता है, मान लीजिए कि आप बी वाई एक्स फाइंड आउट कर रहे हैं, तो उसका फॉर्मूला बनेगा बी वाई एक्स इक्वल टू आर इंटू एस वाई अपॉन एस एक्स, ठीक है। आपको स्टैंडर्ड डेविएशन लिखना है, यानी कि आपको अगर वेरियंस दिया गया हो तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो अगर इसका रूट निकाले यानी कि एस एक्स निकाले तो कितना निकलेगा, 3, ठीक है। और इसका रूट निकाले 36 का, तो एस वाई मिलेगा 9। ये आपको वैल्यू लिखनी है। अगर आपने गलती से भी 9 और 36 लिखे हैं तो आपकी जो कैलकुलेशन है वो गलत हो जाएगी, ठीक है। तो याद रखिए, अगर आपको आर दिया गया है तो एस एक्स एंड एस वाई लिखना है, और कोवेरियंस एक्स वाई दिया गया हो तब तो फिर तो आप वेरियंस ही लिखेंगे, ठीक है। उसका फॉर्मूला में, उसके फॉर्मूला में आपको कोवेरियंस एक्स वाई डिवाइडेड बाई एस एक्स स्क्वायर ये लिखा जाता है, ठीक है। बट अगर आर दिया गया है तो एस एक्स एंड एस वाई यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन ही लिखना है, ठीक है। चलिए अब फाइंड आउट करेंगे हम बोथ द रिग्रेशन लाइंस। तो फर्स्ट वन इज वाई ऑन एक्स एंड एक्स ऑन वाई, ठीक है। चलो वाई ऑन एक्स के लिए सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे बी वाई एक्स इक्वल टू आर इंटू एस वाई अपॉन एस एक्स, ठीक है। चलिए आर इज इक्वल टू 0.8, एस वाई इज इक्वल टू 3 एंड एस वाई इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे 36 है यानी कि 6 मिलेगा, सॉरी, ओके, अगर इसका रूट निकाले तो। और वाई इज इक्वल टू 6 होगा एंड एस एक्स इक्वल टू 3, ठीक है। तो इसको डिवाइड करें तो यहाँ पे मिलेगा 2, 0.8 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 1.6, बी वाई एक्स इक्वल टू 1.6 आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे बी एक्स वाई इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाय एस एक्स अपॉन एस वाई, ठीक है। तो 0.8 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 6, तो 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.5 इज इक्वल टू 0.4 बी एक्स वाई। चलिए अब फाइंड आउट करेंगे ए, तो ए इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी वाई एक्स इंटू एक्स बार, वाई बार इज इक्वल टू 40 माइनस बी वाई एक्स 1.6 और एक्स बार इज इक्वल टू 25, 40 माइनस 1.6 मल्टीप्लाई बाई 25 इज इक्वल टू 40, 40 माइनस 40 इज इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू 0 यहाँ पे मिल रहा है आपको। चलिए यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे ए इज इक्वल टू एक्स बार माइनस बी एक्स वाई इंटू वाई बार, एक्स बार इज इक्वल टू 25 माइनस बी एक्स वाई 0.4 एंड वाई बार इज इक्वल टू 40, 25 माइनस 0.4 मल्टीप्लाई बाय 40 इज इक्वल टू 16 यानी कि ए इज इक्वल टू 9, ठीक है। चलिए लास्ट में हम फाइंड आउट करेंगे रिग्रेशन लाइंस, यानी कि वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई एक्स इंटू एक्स 0 प्लस बी वाई एक्स 1.6 एक्स 1.6। यहाँ पे एक्स की जगह पे आपको लिखना है एक्स इक्वल टू फाइंड द एस्टिमेट एस्टिमेट द वाई व्हेन एक्स एक्स इक्वल टू 29, ठीक है। यहाँ पे एक्स इक्वल टू 29, तो 1.6 मल्टीप्लाई बाई 29 इज इक्वल टू 46.4 वाई कैप, ठीक है। यहाँ पे एक्स के फाइंड आउट करेंगे तो ए प्लस बी एक्स वाई इंटू वाई, ए इज इक्वल टू 9 प्लस बी एक्स वाई इज इक्वल टू 0.4 एन वाई एक्स एस्टिमेट एक्स वेन वाई इज इक्वल टू 45।
तो 9 + 0.4 मल्टीप्लाई बाय 45 इज इक्वल टू 18। तो यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 27 एक्स कैप, एक्स इक्वल टू 27। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर कोवेरियंस है, कोवेरियंस एक्स वाई आपको दिया गया है तो वेरियंस लिखना है, और अगर आपको आर दिया गया है यानी कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट दिया गया है तो आपको अगर वेरियंस दिया गया है तो उसको स्टैंडर्ड डेविएशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। कई बार स्टूडेंट्स जो है गलती कर लेते हैं कि आपको आप लिखेंगे आर में आप वेरियंस लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये आपकी गलती है, इसी में ही आपको मिस्टेक हो जाती है कई बार। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम एक और सम देखेंगे, सम नंबर 42। ठीक है, तो आपको दिया गया है यहाँ पे सम नंबर 42, यहाँ पे आपको कहा गया है फॉर बी वेरिएट सैंपल एक्स बार इज इक्वल टू 53.2, वाई बार इज इक्वल टू 27.9, बी एक्स वाई इज इक्वल टू -1.5, बी वाई एक्स इक्वल टू -0.2, फाइंड द एस्टिमेट ऑफ वाई फॉर एक्स इक्वल टू 60। यानी कि आपको वाई फाइंड आउट करना है जब एक्स इक्वल टू 60। जब ये कब मिलेगा? व्हेन यू फाइंड आउट द रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स, और एक्स की जगह पे आपको 60 लिख के वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एंड ऑल्सो ऑब्टेन द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई। कोरिलेशन कोएफिशिएंट आपको फाइंड आउट करना है यानी कि आर फाइंड आउट करना है। ठीक है, और एक रिग्रेशन लाइन भी आपको फाइंड आउट करनी है वाई ऑन एक्स, और एक्स की जगह पे आपको वैल्यू लिख के वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो आपको जो दिया गया है वो यहाँ पे हम लिखेंगे। तो सम नंबर 42, एक्स बार इज इक्वल टू 53.2, वाई बार इज इक्वल टू 27.9, और बी एक्स वाई इज इक्वल टू -1.5, बी वाई एक्स इक्वल टू -0.2, और आपको फाइंड आउट करना है वाई, ओके, व्हेन एक्स इक्वल टू 60, और फाइंड आउट करना है आर। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो हम आर फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि वो इजी है। आपको एक फॉर्मूला भी हमने लिखाया था कि अगर आपको बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई दिया गया हो तो आर फाइंड आउट करना एकदम इजी है। आपको लिखना है आर इज इक्वल टू अंडर रूट बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, अंडर रूट बी वाई एक्स आपको दिया गया है -0.2 एंड बी एक्स वाई आपको दिया गया है -1.5। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लीकेशन करके रूट निकाले तो निकलेगा 0.55। देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, पर आपको याद रखना है कि अगर बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई दोनों वैल्यू अगर माइनस में दी गई हो तो आर भी आपको माइनस में ही लिखना है, ये इसका रूल्स है। ठीक है, कि बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई अगर आपको माइनस में दिया गया है तो आर भी आपको माइनस में ही लिखना है, भले इसका आंसर प्लस में आता हो। ठीक है, चलिए अब हमें फाइंड आउट करना है रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स। ठीक है, क्योंकि आपको एक ही वैल्यू दी गई है, एक्स इज इक्वल टू 60 और वाई फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एक ही हमें रिग्रेशन लाइन फाइंड आउट करनी पड़ेगी वाई ऑन एक्स। ठीक है, तो उसके लिए आपको बी वाई एक्स तो दिया गया है, अब फाइंड आउट करेंगे ए। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी वाई एक्स इंटू एक्स बार। ठीक है, तो वाई बार इज इक्वल टू 27.9 माइनस बी वाई एक्स आपको दिया गया है -0.2 एंड एक्स बार दिया गया है 53.2। ठीक है, तो 27.9 0.2 मल्टीप्लाई बाय 53.2, तो 27.9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे प्लस। ठीक है, तो प्लस 10.64, तो इसको प्लस करेंगे तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू 38.54 मिलेगा आपको। ठीक है, और लास्ट में आपको फाइंड आउट करना है वाई कैप। वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई एक्स इंटू एक्स। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू 38.54, बी वाई एक्स आपको दिया गया है -0.2, एक्स की जगह पे आपको लिखना है कितना 60। ठीक है, एक्स इक्वल टू 60, तो
38.54 माइनस 0.2 मल्टीप्लाई बाय 60 इक्वल टू 12। तो माइनस करेंगे तो वैल्यू निकलेगी 26.54 y इज इक्वल टू 26.54। ठीक है, तो इसमें आपको दो वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, एक तो r, ठीक है। तो r एकदम इजी है, जब भी आपको बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई दिया गया हो तो, पर आपको साइन जो है वो याद रखनी है। अगर दोनों माइनस में तो आपको यहाँ पे r भी माइनस में ही लिखना है। और यहाँ पे आपको कहा गया था कि x इक्वल टू 60 हो तब y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि आपको एक ही रिग्रेशन लाइन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चलिए अब एक दो सम है जो आपको होमवर्क में करने हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सम नंबर 41, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड रिगार्डिंग एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ्स। आपको हस्बैंड एंड वाइफ्स की आपको एज दी गई है, एवरेज एज ऑफ हस्बैंड्स। अब यहाँ पे हम एक एज्यूम कर लेंगे कि हस्बैंड इज इक्वल टू एक्स एंड वाइफ इज इक्वल टू वाई। ठीक है, एवरेज ऑफ एज ऑफ हस्बैंड तो एक्स वाई इज इक्वल टू 30.3। ठीक है, एवरेज एज ऑफ वाइफ यानी कि वाई बार इज इक्वल टू 24.8 दिया गया। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एज ऑफ हस्बैंड यानी कि एस एक्स दिया गया है 5.4। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एज ऑफ वाइफ यानी कि एस वाई दिया गया है 4.5। ठीक है, एंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ यानी कि आर दिया गया है 0.8। इफ द एज ऑफ अ हस्बैंड इज 50 ईयर्स एस्टिमेट द एज ऑफ हिज वाइफ, यानी कि अगर एस एक्स इक्वल टू 50 हो तब वाई की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। यानी कि आपको एक ही रिग्रेशन लाइन यहाँ पे फाइंड आउट करनी है y ऑन x, और x की जगह पे आपको 50 लिख के y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा आपको, x बार y बार एस एक्स एंड एस वाई दिया गया है। ठीक है, तो आपको जो फॉर्मूला लिखा है ना सम नंबर 35 में, ठीक है, वही फॉर्मूला यहाँ पे लिखेंगे हम। ठीक है, r इंटू एस वाई अपॉन एस एक्स। ठीक है, और बी एक्स वाई में होगा r इंटू एस एक्स अपॉन एस वाई। ठीक है, वो फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। ठीक है, चलिए अब उसके बाद सम नंबर 38, ये भी आपको होमवर्क में करना है। फाइंड टू रिग्रेशन लाइंस फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा रिगार्डिंग द रेनफॉल एंड द क्रॉप यील्ड। ऑल्सो एस्टिमेट द यील्ड व्हेन द रेनफॉल इज फॉल इज गोइंग टू 27 सेंटीमीटर्स एंड द रेनफॉल व्हेन द यील्ड इज 600 केजीस। यानी कि आपको दिया गया है यहाँ पे यील्ड इज इक्वल टू वाई, यील्ड आपको आपने यहाँ पे एज्यूम किया है वाई, और रेनफॉल एज्यूम किया है एक्स। ठीक है, तो एवरेज दिया गया है यानी कि एस वाई एन सॉरी वाई बार एन एक्स बार दिया गया है, और स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि एस वाई एन एस एक्स दिया गया है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट यानी कि आर दिया गया है। ठीक है, वही सेम फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा जो आपने लगाया था। ठीक है, तो सम नंबर 38 ये भी आपको होमवर्क में करना है। अगर इसमें कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके या तो फिर व्हाट्सएप में मैसेज करके बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। बाकी जो भी आपके सम है वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।